हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोजी कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में रिलेशनशिप बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ना ही इंटेंशनल होता है, ना ही इसमें कंसेंसस अरेडियम होता है, ना ही ऑफर होता है, ना ही एक्सेप्टेंस होता है। तो मतलब पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, फिर भी लॉ उनका रिलेशनशिप देख के, उनका कंडक्ट देख के पार्टीज का, उनपे एक ऑब्लिगेशन इम्प्लाई कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि वॉलंटरली यहाँ पे अंडरटेक किया जाता है अपने ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। यहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करता है आप दोनों एक लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। मतलब कि किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, आप किसी और के लॉस से अपना बेनिफिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक वर्ड दिया गया है, तो मतलब बेसिकली किस पर रेस्ट करता है, किस पे कोजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है? ये बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मतलब है अ पर्सन इज नॉट अलाउड टू एनरिच और बेनिफिट हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। मतलब आप किसी का नुकसान करके खुद का बेनिफिट नहीं कर सकते, ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे बेस्ड है कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर हम इसके फीचर्स देखें तो क्या हम समझे हैं इसके फीचर्स? सबसे पहली बात तो इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ की आंखों में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट बट इम्पोज्ड बाय द लॉ। सेकेंड फीचर हमने ये पढ़ा है कि ये जो राइट है या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ये अवेलेबल होती है एक स्पेसिफाइड, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। राइट अवेलेबल या ऑब्लिगेशन अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड के लिए नहीं है बट पर्टिकुलर पर्सन के लिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए कि ए बी को मिल्क डिलीवर करता है, ठीक है, रेगुलरली मिल्क डिलीवर करता है, और बी इस ऑब्लिगेशन में है कि उसको ए को प्राइस पे करना पड़ेगा, जो भी प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन लॉ क्या कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोजी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है किसी और के एक्सपेंस पे, दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही राइट है, ऐसा तो है नहीं कि बी को सबको पैसे देने हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बी को किसको प्राइस दे, किसको पैसे देने हैं? ए को। तो एक स्पेसिफाइड पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये ऑब्लिगेशन है बी की। तो ये फीचर्स हैं कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर टाइप्स की जगह अगर आपको कहीं पर मिले सर्कमस्टांसेस तो वो भी सही होगा, कि यहाँ पे फाइव सर्कमस्टांसेस या फाइव टाइप्स हैं जहां पर हम रिलेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट्स को कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं। सबसे पहला है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन कौन होते हैं इनकैपेबल? या तो वो कोई माइनर होगा या फिर कोई पर्सन होगा ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो अगर ये लोग माइनर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता बट उसको नेसेसरी सप्लाई की गई है किसी भी पर्सन से, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी या जो भी अनसाउंड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है। तो उसके और माइनर के बीच में एक कोजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है राइट टू क्लेम, या फिर हम कह सकते हैं रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। यहाँ पे अगर तीन पार्टीज हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और सी ए को पैसे दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी को पेमेंट रिटर्न करे, क्योंकि उसके बिहाफ में बी ने पैसे दिए थे, ठीक है। और सी राइट है सी का कि वो रिकवर कर सकता है मनी,
ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी के बीच में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है. थर्ड आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट. ऐसा कोई एक्ट जो किया गया है बट फ्री में या मुफ्त की इंटेंशन से नहीं किया गया. इंटेंशन यहाँ पर क्या थी कि पैसे आएंगे. तो जो भी ऑब्लिगेशन है पर्सन की जिसने भी वो बेनिफिट्स एंजॉय करे हैं, ठीक है, उस एक्ट के, जैसे अगर एक हो जाता है, ठीक है, और बी ने एडवर्टाइजमेंट दिए न्यूज़पेपर में, सी ए को फाइन करके लाता है, ठीक है. एडवर्टाइजमेंट में क्या था कि जो भी फाइन करके लाएगा उसको पैसे मिलेंगे. तो अब सी और बी के बीच में कोजी कॉन्ट्रैक्ट है. बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी को पैसे दे. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स खो जाते हैं और वो जिनको भी मिलते हैं, ठीक है, और उनको पता है जैसे एक गुड्स है कोई भी और वो बॉक्स खो गया लेकिन उसमें सेंडर एड्रेस लिखा है कि वो गुड्स किसको बिलोंग करता है, तो जिसको भी वो मिलता है, जिसने भी वो फाइन किया है, वो उसके असली ओनर को वो गुड्स पहुंचाए, ठीक है. तो यहाँ पर ओनर और फाउंडर, जो भी फाउंडर होगा और ओनर होगा, उसके बीच में कोजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया. देन लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन. अगर कोई भी बाय मिस्टेक कोई भी थिंग आपके घर पे डिलीवर हो जाती है तो क्या करोगे आप, उसको वापस दोगे ओनर को? आपके बीच में कोजी कॉन्ट्रैक्ट है, जस्टिस इक्विटेबिलिटी है, किसी का लॉस से आप अपना बेनिफिट ना करो, तो इसीलिए कोजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो ये सारा था हमारा टाइप्स ऑफ कोजी कॉन्ट्रैक्ट. होप आपको समझ आया हो कोजी कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू. Thank you.